शुरू हुआ था पिछले साल अगस्त 2011 को। ये यहाँ से किसी एक भाई ने मशवरा करके अपने गाड़ी को इधर लगाया और एक काम उसने जारी कर दिया। उसके बाद से फिर ऐसा ऐसा दूसरा गाड़ी, फिर तीसरा गाड़ी, फिर इस तरह से सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रोज़ यहाँ से 15 गाड़ी 20 गाड़ी डेली जाया करता था। तो इस साल भी रमज़ान मुबारक में ये काम स्टार्ट हुआ है और बड़े खुशअसलूबी से ये काम जारी है और लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं और लोग अच्छे और खुशहाल हैं। यहाँ से ये बर्फ़ गाड़ी में लोड करके पहले यहाँ रास्ते में भी लोग ले रहे हैं, लेकिन शिशुको का मैं नहीं बोलता द्रोश पहुँचा रहे हैं। द्रोश से भी चित्राल यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का इसी रास्ता है, 3 घंटे का सफ़र है यहाँ द्रोश तक। चित्राल में पूरा 4 घंटे का है और चित्राल भी पहुँचा रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ हमारे इस साल जो है ना चित्राल में वो इनका बिक रहा है। ضرورت خانش ما بسه همون که همیشه که اگه نمی نهد عروزه این ماه رمضان شریف هست ما بسه همه همه این دیگه بود و چیزی زیاد دیگه همین سر شکریه بسه نهره بانه نامون سر شیرالیز نامی تا برخان ای تا और ये एरिया भी जो है ना इनके जो भी यहाँ लोग हैं, पूरा एरिया यानी नासराबाद के नाम से जो ये एरिया मशहूर है मडकलश में वाकई है और नहायत खूबसूरत इलाका है। लोग सारे खुश हैं और इनको कि इसका फ़ायदा तो बहुत लोगों को हुआ था। چند بسه جمع کردی؟ هم دمی 3-4 روز اتوی که دوسی از اروپای هم بزدورشی ده 4 روز چهار 5 روز کار کردم اکی دمی یهان که مقیم جو رهایشی ہے بیبند ایریا سے میرا تعلق ہے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ لوگ یہاں جو کام کر رہے ہیں اس کو اچھا خاصا فائدہ مل رہا ہے لاکھ کے حساب سے ان کو جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں اور ان کی مزدوری بھی ہے ساتھ ہی ये जो गाड़ी वाले हैं उनको भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, वो भी उनकी जो रोज़गार भी चल रहा है। गांव वाले हैं सारे रोटी बने तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये तकरीबन डेढ़ लोड मशीन रोटी बढ़ती 3-4 हज़ार रुपये मंदुरुस्त की बढ़ती 8-9 हज़ार रुपये तकरीबन 2 हज़ार रुपये। हम एक लोड जब ले कर चित्राल में पहुँच जाएंगे पूरा लोड तकरीबन 8 या 9 हज़ार रुपये बन जाएगा, उसमें से तकरीबन 5 हज़ार रुपये इनको दे देंगे दिहाड़ी वालों को, बाकी अपना खर्चा डीजल और अपना खर्चा 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये तकरीबन 6-7 लोग तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये। चित्राल में अफ्तारी के टाइम पे हम इनको भेज देंगे ठंडा पानी के लिए, लोगों को गर्मी बहुत है उधर, बिजली भी नहीं है लोड शेडिंग की वजह से। हम लोगों को तकसीम करेंगे 50 रुपये पे, 100 रुपये पे, 10 रुपये पे, 20 रुपये पे, परचून के हिसाब से। वो आगे जाके घरों में अफ्तारी के टाइम पे ठंडा पानी करके पियेंगे। वो एक बंदे जब इधर से एक ब्लॉक लेकर रोड तक जाएगा तकरीबन 80 रुपये ले लेगा हमसे एक चक्कर।
और नीचे शिशुकू के इलाके से भी बहुत सारी गाड़ियां आती है। यहां इस इलाके के लिए जो है हम लोगों ने ना कोई इसका रॉयल्टी का कोई सिलसिला किया है ना कोई टैक्स है, और ये फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं बल्कि नीचे अपना द्रोश सतह जो भी हमारे भाई लोग हैं द्रोश चित्राल तक उनको पर वक्त पहुँचा के और जो गर्मी के मौसम में इनको जो है ना वो सारे लोगों को वो फ़ायदा मिलता है और वो भी खुशहाल है। रोड बहुत ख़राब है, ख़ासकर वादी शिशु का जो रोड है बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक हालत है इसकी। हम ये कहेंगे हुकूमत को कि ये हमारा जो रोड है इसको ठीक करें, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ख़राब है ख़ासकर मडकलश्ट वालों का। यहाँ के रोड का तो काफ़ी मसला है, कुछ ये गांव से लेके यहाँ अपना बेबन तक नसराबाद तक जो है तकरीबन 4-5 किलोमीटर का सफ़र है, और यहाँ कुछ दरे ऐसा है कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है, और एक दरा कुछ वो अपना रिपेयर करके कुछ ठीक है और दो दरे जो है इंतहाई ख़तरनाक है, और उधर से वो दरे के ऊपर कुछ लकड़ी रख दिए हैं जो कि ख़तरनाक साबित होता है। इसके लिए मतलब हुकूमत वक्त ने लेकिन लोगों के लिए हुकूमत वक्त ने कुछ नहीं किया, अलबत्ता AKRSP के तावन से एक दरे को वो कुछ बनाया गया है और दो दरे जो है अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, लकड़ी के ऊपर हम गुजारा कर रहे हैं, और जो एक दरा जो है यहाँ से जो वो अपने मदद आप के तहत वो बना के नीचे दरिया तक यानी बर्फ़ के नज़दीक जो है ना पहुँचा दिए गए हैं लोगों ने अपने मदद आप के तहत, और वो भी मतलब काफ़ी दुशवार गुजार रास्ता है, काफ़ी मुश्किल है, और गाड़ी वाले अक्सर मतलब ये कि उसी रोड में चलते हुए उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब हो रहे हैं। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जगहों पर कुछ ध्यान दें और इधर के लोगों से कुछ ये फ़ायदे जो हो रहा है और कोशिश करें कि इनके साथ कुछ ताउन करें ताकि ये भी आसानी से अपना जो है ना गुजर बसर कर सकें।